नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है टाइटन की तरफ से फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स बीट प्लस स्मार्ट वॉच, जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है केवल 1495 में। तो ये काफी अफोर्डेबल स्मार्ट वॉच है। हालांकि ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच नहीं है, मतलब कि आप इसमें कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको मिलेगा कॉल का अलर्ट और अलग अलग एप्स के नोटिफिकेशन इस स्मार्ट वॉच में। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.69 इंच का TFT LCD डिस्प्ले, 500 nits ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, हार्ट रेट और SPO2 मॉनिटर, स्लीप ट्रैकर, मल्टीपल वॉच फेसेस, और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। तो अनबॉक्सिंग करने पे आपको मिलती है इतनी चीजें, ये है क्विक स्टार्ट गाइड, प्रोडक्ट मैनुअल, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और ये स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 200 mAh की बैटरी, इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर्स, आपको मिलेगा 5 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो, जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में, या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। तो जो स्मार्ट वॉच है दिखने में काफी अच्छी है, साइड से आपको मिलता है कर्व डिस्प्ले, इसके अलावा इसकी बॉडी प्लास्टिक की इसीलिए काफी स्लिम है और लाइट वेट है। साइड में है एक बटन, इसके अलावा बैक साइड में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, सिलिकॉन के स्ट्रैप्स है 20mm के जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, ऊपर में है एक मेटालिक बकल और 2 स्ट्रैप्स होल्डर, आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है, इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाले पिन को नीचे खींचना है और ऊपर वाले होल में अलाइन करना है इस तरीके से। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जब आपको फास्ट ट्रैक का लोगो दिखाई देगा तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच स्विच ऑन हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ल्ड। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके बाद आपको इसे करना है ओपन, स्वाइप कीजिए, इसके बाद करना है आपको साइन अप पे टैप, सर्कल में टिक कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे डिसेबल कीजिए, अलाउ कीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर करके आपको करना है कंटिन्यू। इस नंबर पे जाएगा एक OTP, आपको उस OTP को एंटर करना है और फिर करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे टैप कीजिए, आपको ब्लूटूथ को ऑन करना है तो अलाउ कीजिए और यहां से कीजिए अपने ब्लूटूथ को ऑन। वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए और आपकी स्मार्ट वॉच में जो QR कोड है उसे आपको ओपन करना है और अब आपको इसे स्कैन करना है इस QR कोड को, फिर आपको करना है अलाउ पे टैप, वॉच में करना है एस पे टैप और आपके फोन में शो होगा पेड सक्सेसफुली, फिर आपको करना है वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप, अपना नेम एंटर करके कीजिए कंटिन्यू, मेल फीमेल चूज कीजिए कंटिन्यू, आपकी डेट ऑफ बर्थ कंटिन्यू, आपकी हाइट सेंटीमीटर में कंटिन्यू, आपका वेट केजी में कंटिन्यू, आपका स्लीप गोल कितने आवर आपको सोना है टाइप कीजिए कंटिन्यू कीजिए, कितना वर्कआउट आपको करना है दिन में कितना टाइम आपको सेट करना है कंटिन्यू, डेली आपको कितने स्टेप चलने हैं तो आप यहां पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, फिर आपको करना है कंटिन्यू। अगर आप गूगल फिट का यूज करते हो तो आपको करना है साइन इन विद गूगल, अगर आप नहीं करते इसका यूज तो कीजिए स्किप। गूगल फिट का यूज करने से होता क्या है कि आपका जो भी डेटा है इस ऐप में फास्ट ट्रैक के ऐप में वो डेटा आपका गूगल फिट में सिंक होगा, दोनों ऐप में आप अपना हेल्थ और एक्टिविटी डेटा चेक कर पाओगे। तो मैं करूंगा साइन इन, अलाउ कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए और फिर कीजिए कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइस का सेटअप, तो आपको लास्ट वाले सेटिंग्स के टैप पे टैप करना है, पेंसिल के आइकन पे टैप करके आप यहां से अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, DOB, जेंडर,
हाइट, वेट, लोकेशन और अपने अकाउंट को यहां से डिलीट भी कर सकते हो। सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में नोटिफिकेशन रिसीव हो तो आपको टर्न ऑन नोटिफिकेशन इस पे टैप करना है, अलाउ कीजिए। फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स पे इनेबल करना है, अलाउ कीजिए। बैक जाइए, फिर से अलाउ कीजिए, फोन के परमिशन को अलाउ कीजिए ताकि आप मैसेज और कॉल को रिसीव कर सको अपनी वॉच में। अलाउ पे टैप कीजिए, हालांकि आप कॉल को रिसीव नहीं करोगे, कॉल किसका कॉल आ रहा है आप उसका जो अलर्ट है देख पाओगे अपनी वॉच में। नोटिफिकेशन सभी ऐप्स के लिए इनेबल की गई है, लेकिन अगर आप चाहते हो सभी ऐप्स के लिए नोटिफिकेशन शो ना करे मेरी वॉच में तो आपको ऑल ऐप्स पे टैप करना है। अभी यहां पे सभी ऐप्स को इनेबल किया गया है, आप जिन ऐप्स को डिसेबल करना चाहते हो उसे डिसेबल कर दीजिए, मतलब कि जिसे आप इनेबल रखोगे उसी ऐप से नोटिफिकेशन रिसीव होगी आपकी वॉच में। फिर करना है सेव पे टैप। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो कॉल आ चुका है और वॉच में भी आ चुका है, इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का अलर्ट, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा और आपको मिलेगा यहाँ पे एक ऑप्शन इस कॉल को रिजेक्ट करने का। तो आप यहाँ पे इस तरीके से टैप करके इस कॉल को कर सकते हो रिजेक्ट। कॉल के दौरान जो अलर्ट आपको मिलता है वॉच में, अगर आपको इस अलर्ट को रिमूव करना है तो आपको बटन पे प्रेस करना है इसे हटाने के लिए इस तरीके से। हालांकि कॉल आपका शुरू रहेगा आपके फोन में, हालांकि आप इस रिंगटोन को म्यूट नहीं कर सकते तो आपको अपने फोन में जो वॉल्यूम अप या डाउन है उसको प्रेस करना पड़ेगा रिंगटोन को म्यूट करने के लिए। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो SMS आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है और अच्छी बात है कि जब SMS आता है तो वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाता है और वॉच करती है वाइब्रेट। हिंदी फोन पार्शियली सपोर्ट करते हैं लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीव्यू में कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर, टाइम और यहाँ पे मैसेज के कंटेंट, आप यही से उसे डिलीट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे इसे देखना मिस कर दिया तो फिर आपको करना है स्वाइप अप और ये रहा SMS, टैप करके आप रीड कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे 3-4 लाइन ही शो करती है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है और अच्छी बात है कि व्हाट्सएप के लिए भी डिस्प्ले इसका ऑन होता है और वॉच करती है वाइब्रेट। सेम तरीके से आप यहाँ पे 3-4 लाइन रीड कर सकते हो। व्हाट्सएप का आइकन, कॉन्टैक्ट का नाम, नंबर शो करेगा और टाइम शो करेगा और मैसेज का कंटेंट और सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे यहाँ पे स्वाइप अप करने पे। आप अपने यहाँ पे पिछले 8 मैसेज को रीड कर सकते हो। अगर आपको सभी को क्लियर करना हो तो आप एक साथ इन्हें क्लियर नहीं कर सकते, आपको 1 by 1 सभी को ओपन करके करना पड़ेगा डिलीट इस तरीके से। वॉच फेसेस को आप यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वॉच फेस पे टैप करना है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 50+ वॉच फेसेस और यहाँ पे है अलग अलग कैटेगरी। आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उसके कैटेगरी को ओपन करना है व्यू ऑल पे टैप करके। फिर आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है। जैसे कि मुझे अगर डाउनलोड करना है ये वॉच फेस तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा इंस्टॉल ऑन वॉच। फिर से करना है इंस्टॉल ऑन वॉच पे टैप। इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड कर सकते हो। तो जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको बैक जाना है मेन पेज पे और यहाँ पे लिखा होगा कस्टम, आपको कस्टम पे टैप करना है। चूज अ पिक्चर फ्रॉम द लाइब्रेरी, इस पे टैप कीजिए, अलाउ पे टैप कीजिए। जिस फोटो को आपको सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। जैसे मुझे सेट करनी है ये फोटो तो मैं इस पे टैप करूंगा, क्रॉप कर सकते हो। फिर आपको करना है क्रॉप करने के बाद नेक्स्ट पे टैप। जो टेक्स्ट का कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से और फिर आपको करना है नेक्स्ट पे टैप इंस्टॉल ऑन वॉच। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो वॉच फेस है सेट हो चुका है। आप अपनी स्मार्ट वॉच से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है और ऐसे स्वाइप करना है इनके बीच में स्विच करने के लिए। आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए। आप एक साथ अपनी वॉच में 4 वॉच फेस को सेट कर सकते हो। हालांकि पहले 3 वॉच फेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो आखिरी वाला वॉच फेस होता है वही चेंज होता है हमेशा। आगे है गोल्स। तो आप अपने जो डेली गोल है यहां से चेंज कर सकते हो। जैसे कि स्टेप गोल, आपको रोजाना कितने स्टेप चलने हैं यहां से आप चेंज कीजिए। इसके अलावा स्लीप गोल, कितने आपका कितने घंटे आप सोना चाहते हो दिन में, सेव चेंजेस पे आप कीजिए।
और इसके अलावा मल्टी स्पोर्ट्स मोड, आपको कितने घंटे या कितना टाइम वर्कआउट करना है, तो आप यहां से सेट कीजिए गोल को। बाद में है हेल्थ, तो इस पे टैप कीजिए। सबसे पहले है ऑटो एचआर, मतलब कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट। तो अगर आप इस पे टैप करोगे तो यहां पे ऑटोमेटिक हार्ट रेट ऑन रखा गया है आपके स्मार्ट वॉच में। अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर ना हो मेरी वॉच में, तो आपको टर्न ऑफ पे टैप करना है। मैं हमेशा इसे ऑफ ही रखता हूं, क्योंकि ऑटोमेटिक हार्ट रेट को ऑन रखने से बैटरी ज्यादा यूज होती है। तो फिर आप जब चाहते हो अपनी वॉच में अब मैनुअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। गूगल फिट हमने पहले ही इसे कनेक्ट कर लिया है। अगर आपको डिसकनेक्ट करना है तो रिवोक पे टैप कीजिए। इसके बाद है हेल्थ में सिलेंडरी अलर्ट, मतलब कि अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हो आइडली, 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे, तो आपको आएगा एक अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए। तो आप यहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको रिमाइंडर यहाँ पे सेट करना है हर 60 मिनट, मतलब कि जो टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के दौरान हर 1 घंटे आपको आएगा सिलेंडरी रिमाइंडर। अगर आप 1 घंटे कोई भी एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं करते तो आपको करना है टर्न ऑन पे टैप। आगे है हाइड्रेशन रिमाइंडर, तो आपको पानी पीने का रिमाइंडर अगर सेट करना हुआ तो इस पे टैप कीजिए। स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कीजिए। मैं चाहता हूं सुबह के 9 से लेकर रात के 9 बजे तक ये रिमाइंडर काम करें, तो मैं टाइम सेट करूंगा। और आपको यहाँ पे रिमाइंडर सेट करना है 2 आवर, मतलब कि हर 2 घंटे मुझे पानी पीने का रिमाइंडर आएगा। आपको करना है फिर अपडेट पे टैप, फिर माई वॉच पे टैप कीजिए। अब इसमें है फाइंड योर वॉच, तो इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी स्मार्ट वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी स्मार्ट वॉच को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 10 बार। आपको करना है स्टार्ट सर्चिंग पे टैप। यूनिट सिस्टम को आपको चेंज नहीं करना है। इसके बाद है लिफ्ट टू यू, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर, तो इसे रखा गया है ऑन। इसका मतलब क्या होता है, तो अगर मान लेते हैं आपके वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आप इसे ऊपर उठाओगे डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। इसे कहते हैं रेस्ट वेक फीचर। तो ये काम आता है जब आप अपनी वॉच को पहनते हो और फिर आप अपनी कलाई को ऊपर करोगे इस तरीके से, तो टाइम देखने के लिए जो डिस्प्ले होता है ऑन हो जाता है। आगे है अनपेयर करने का ऑप्शन, तो अगर आप अनपेयर करोगे तो आपकी वॉच हो जाएगी आपके फोन के साथ डिसकनेक्ट। और फिर अगर आपको अपनी वॉच को फिर से यूज करना हुआ तो आपको पहले से पेयर करना पड़ेगा अपनी स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ। अलार्म को आप यहां से सेट कर सकते हो। आपको टैप करना है, टाइम सेट कीजिए, आवर मिनट एएम पीएम सेट कीजिए, कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है, आपको उन दिन को चूज करना है, करना है टर्न ऑन। फिर से अलार्म को ऐड करने के लिए न्यू अलार्म पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप अलार्म को ऐड कर सकते हो अपनी वॉच में इस ऐप के जरिए। आप एक साथ 3 अलार्म को ऐड कर सकते हो इस तरीके से। डीएनडी का ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो अगर आपको इसका यूज करना है तो आपको टाइम सेट करना है स्टार्ट टाइम एंड टाइम। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अब ये फीचर काम करेगा मतलब कि आपको आपकी वॉच में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ये है कैमरा कंट्रोलर, तो इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन। आपको अपने स्मार्ट वॉच को शेक करना है इस तरीके से फोटो कैप्चर करने के लिए। आपके फोन में फोटो कैप्चर हो जाएगी इस तरीके से। फिर है वेदर इंफॉर्मेशन, बाय डिफॉल्ट इसे ऑन रखा गया है, मतलब कि आपकी वॉच में वेदर इन्फो शो करेगा आपके लोकेशन का। हालांकि अगर आपको इसे यूज नहीं करना है तो टैप करके कीजिए टर्न ऑफ। फिर है म्यूजिक कंट्रोल, तो बाय डिफॉल्ट इसे ऑन रखा गया, मतलब कि आप अपने फोन के म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो अपनी वॉच के जरिए। और यहाँ पे है अपडेट करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे टैप करके अपडेट को चेक कर सकते हो। अगर अवेलेबल है तो यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। जनरल पे टैप करोगे तो यहां से आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल कर सकते हो। हमने पहले ही डिसेबल कर लिया है तो ये होना चाहिए डिसेबल। अगर इनेबल होता है तो टैप करके उसे डिसेबल कीजिए। ये करना जरूरी है ताकि आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिसकनेक्ट ना हो। तो इस तरीके से आपको अलार्म का प्रयोग शो करेगा, वॉच करेगी वाइब्रेट जब भी अलार्म का रिमाइंडर आएगा तब। बैक जाओगे, अब बात करते हैं हेल्थ के टैप की, तो आपको हेल्थ पे टैप करना है। यहाँ पे शो करेगा आपका हार्ट रेट। अगर आपने हार्ट रेट को मेजर किया होगा तो आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है, कितने बजे मेजर हुआ था, आप यहाँ पे ग्राफ वाइज चेक कर सकते हो, डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। इसके अलावा आगे है SpO2, तो अगर आपने SpO2 को मेजर किया होगा तो लेटेस्ट आपका शो करेगा, मैक्सिमम आज का, मिनिमम और डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ग्राफ वाइज। अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपको अपने मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर को, मतलब कि पीरियड ट्रैकर को ऑन करना है, तो आपको ऐप को ओपन करना है हेल्थ के टैब में। इस पर टैप कीजिए और यहाँ पे होगा माई साइकिल, आप देख सकते हो। आपको इस पर टैप करना है, आपको
लास्ट टाइम कब आया था पीरियड, जो डेट है यहाँ पे सेट करनी है। इसके बाद कीजिए कंटिन्यू। आपका जो पीरियड है कितने दिन के लिए रहता है, 5 दिन या 4 दिन अपने हिसाब से सेट कीजिए, फिर करना है कंटिन्यू। कितने दिन का आपका साइकिल होता है, पीरियड साइकिल, तो आपको डे चूज करना है 28, 29 अपने हिसाब से, फिर कीजिए कंटिन्यू पे टैप। और फिर यहाँ पे शो करेगा आपका साइकिल डेटा, तो लास्ट टाइम कब आया था और आने वाला जो पीरियड है कब आएगा यहाँ पे शो करता है। और जब भी नेक्स्ट टाइम आप पीरियड आएगा तब आपको मिलेगा पीरियड का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। इसके बाद है मल्टी स्पोर्ट्स, मतलब कि वर्कआउट। तो अगर आपने कोई भी वर्कआउट किया होगा आपके स्मार्ट वॉच में तो उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा, और आप ऑल दिस वीक दिस मंथ इस तरीके से टाइमलाइन के साथ चेक कर सकते हो सभी वर्कआउट को। और फिर है फिटनेस, तो यहाँ पे आपका शो करेगा आज का डेटा, एक्टिविटी डेटा, जैसे कि आज के स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी, एनर्जी। इसके अलावा आप इसे डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज चेक कर सकते हो। और फिर है स्लीप डेटा, तो अगर आपको अपने स्लीप डेटा को रिकॉर्ड करना है अपनी स्मार्ट वॉच में तो बस आपको सोते हुए अपनी वॉच को पहनना है। आपकी वॉच अगर आपके फोन के साथ कनेक्टेड नहीं भी होगी फिर भी आपकी वॉच में रिकॉर्ड होगा आपका स्लीप डेटा, तो आप कितना टाइम सोए, आपको कितने बजे नींद लगी, कितने बजे आप जागे, आपका स्लीप स्कोर। इसके अलावा आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस, जैसे कि डीप स्लीप, लाइट स्लीप, अवेक टाइम का टाइम आपको यहाँ पे शो करेगा ग्राफ वाइज। होम पेज पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेड, तो अगर आप इस पे टैप करोगे तो आप अपनी वॉच को यहाँ से कर सकते हो डिस्कनेक्ट ओके पे टैप करके। और ये है आज का डेटा, आज का स्लीप डेटा, स्टेप्स डेटा और मल्टी स्पोर्ट्स मतलब कि वर्कआउट टाइम आपको यहाँ पे शो करेगा। आप इसे स्वाइप डाउन करके रिफ्रेश कर सकते हो और इसे टाइम वाइज भी चेक कर सकते हो इस तरीके से। तो हमने इस वॉच को सेटअप कर लिया है इस ऐप के जरिए। अब हम देखेंगे आपको वॉच को कैसे यूज करना है। इस स्मार्ट वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 फंक्शंस, तो अगर आप इस पे प्रेस करोगे होम पेज पे होते हुए तो आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। बैक जाने का और एक तरीका है, तो आपको स्वाइप करना है राइट में इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को कर पाओगे स्विच ऑफ, आपको इस पे टैप करना है स्विच ऑफ करने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आप यहाँ पे अपने मैसेज को रीड कर सकते हो, और होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, टाइम, डेट और बैटरी परसेंट यहाँ पे शो करता है। सबसे पहले है सेटिंग्स, अगर आप इस पे टैप करोगे तो सबसे पहले है ब्राइटनेस, आप यहाँ से प्लस माइनस के साइन पे टैप करके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे है वॉच फेसेस, आप स्वाइप करके वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है पावर ऑफ करने का ऑप्शन, रिसेट करने का ऑप्शन, और क्यूआर कोड पेयर करने के लिए, हमने पहले ही पेयर कर लिया है तो अभी इसे स्कैन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डीएनडी को ऑन किया होगा अपने ऐप के जरिए, यहाँ पे है डीएनडी, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे ये टॉगल ऑन होगा, आप देख सकते हो। अगर आप डीएनडी को ऑफ करोगे ऐप में तो जो टॉगल होगा ऑफ होगा। इस तरीके से आप ऐप के जरिए ही कंट्रोल कर सकते हो, डीएनडी को आप यहाँ से ऑन ऑफ नहीं कर सकते। इसके बाद है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे टैप करके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। म्यूजिक प्लेयर, तो टैप कीजिए। हालांकि म्यूजिक इस वॉच में प्ले नहीं होगा क्योंकि इसमें स्पीकर नहीं है, आप अपने फोन के म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए, तो टैप कीजिए, आपके फोन में प्ले होगा म्यूजिक। प्रीवियस, नेक्स्ट, हालांकि यहां पे वॉल्यूम को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे शॉर्टकट्स, सबसे पहले है एक्टिविटी पेज, तो ये है आज का डेटा, आज के स्टेप्स, डिस्टेंस और किलो कैलोरी एनर्जी। इसके आगे है हार्ट रेट, तो आप यहां से मेजर कर सकते हो, आपको अपनी वॉच को पहनना है उसके बाद हार्ट रेट स्टार्ट होगा मेजर होना, यहाँ पे आपको मिलेगा अभी का रिजल्ट और आज का मैक्सिमम मिनिमम शो होगा। इसके आगे है स्लीप डेटा, यहाँ पे शो किया जाएगा आपका स्लीप डेटा, कितने घंटे आप सोए और आपका अलग अलग स्लीप स्टेजेस का टाइम। इसके बाद है वेदर, तो अभी फिलहाल कितना वेदर है, आज का मिनिमम मैक्सिमम कितना रहेगा और आने वाले अगले 7 दिन का वेदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ। इसके आगे है मेन मेनू, तो यहाँ पे सबसे पहले है एक्सरसाइज, तो टैप कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे 60 वर्कआउट मोड, तो आप यहाँ पे इन्हें एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से, तो यहाँ पे शो करेगा कितना टाइम हुआ है, आपका हार्ट रेट, किलो कैलोरी एनर्जी। इसके अलावा स्टेप्स, आपकी पेस, पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, और आपका डिस्टेंस। स्टॉप करने के लिए आपको प्रेस करना है,
आप इसे यहीं से रिज्यूम कर सकते हो और इसे एंड करना हुआ तो फिनिश पे टैप कीजिए। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट सेव हो तो आपको मिनिमम 2 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, तभी आपका वर्कआउट डेटा सेव होगा आपके ऐप में और वॉच में। इसके बाद है माय फिटनेस, मतलब कि आज की एक्टिविटी, आपके स्टेप्स, डिस्टेंस और कैलोरी। इसके बाद है हेल्थ ऐप, जिसमें आपको शो करेगा हार्ट रेट, आप यहां से भी मेजर कर सकते हो, और आपका SPO2 यहां से आप मेजर कर सकते हो। आपको मेजर पे टैप करना है, नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए। इसके आगे है स्लीप डेटा, वेदर, म्यूजिक और फिर है नोटिफिकेशन, आप यहां से रीड कर सकते हो। इसके बाद है क्लॉक ऐप, जिसमें आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन स्टॉप वॉच के लिए, स्टार्ट कीजिए, रिस्टार्ट, पॉज और फिर है टाइमर। तो यहां पे है अलग अलग टाइम के प्रीसेट, 60 मिनट तक या आप अपने हिसाब से मैक्सिमम 23 आवर 59 मिनट 59 सेकंड तक का, मतलब कि 24 आवर का टाइमर स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि जो टाइमर है बैकग्राउंड में भी वर्क करता है। इसके बाद है फाइंड फोन, तो आप इस फीचर के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपका फोन मिल नहीं रहा है, तो अगर आपने इस पे टैप किया तो आपके फोन में रिंग बजेगी। आपका फोन अगर साइलेंट मोड पे होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी इस तरीके से, फ्लैश लाइट भी ऑन होगा। और इसे स्टॉप करने के लिए आपको मिलेगी एक नोटिफिकेशन, आपको इस पे टैप करना है, उसके बाद ही ये ऑफ होगा। इसके बाद है फ्लैश लाइट, आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। और बाद में है सेटिंग्स, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो मेन मेनू को एक्सेस करने के लिए आपको होम पेज पे करना है स्वाइप राइट, ये है आपका मेन मेनू। इस स्मार्टवॉच में आप डिस्प्ले के स्क्रीन टाइम आउट को चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि इसमें डिफॉल्ट रखा गया है 10 सेकंड का। डिस्प्ले को अगर आप ऑन करोगे तो डिस्प्ले इसका 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपको वारंटी को क्लेम करना हुआ, अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी स्मार्टवॉच में, तो आपको प्रोडक्ट मैनुअल पे एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे ये रहा, इस नंबर पे आपको कॉल करना है या आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हो वारंटी को क्लेम करने के लिए या कोई भी असिस्टेंट के लिए। दोस्तों ये था फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स बीट प्लस का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।